नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस स्टेशन ऐसा भी है जहां थाना प्रभारी की कुर्सी पर आज तक किसी अधिकारी की बैठने की हिम्मत नहीं हुई। जी हां, वाराणसी के विश्वेश्वरगंज स्थित कोतवाली पुलिस स्टेशन के थानेदार की कुर्सी बाबा काल भैरव के लिए छोड़ी गई है। ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। यहां थानेदार की कुर्सी पर बाबा काल भैरव की तस्वीर लगाई गई है, साथ ही उनके लिए अलग से मेज भी लगाई गई है। मेज पर बाकायदा पुलिस का डंडा और थानेदार की कैप भी रखी हुई है। यही नहीं, अलग से एक डायरी और कलम भी बाबा के लिए रखी गई है। वहीं थाने के प्रभारी थानेदार बगल में कुर्सी लगाकर बैठते हैं, साथ ही थाने के थानेदार रोज सुबह बाबा से आशीर्वाद भी लेते हैं और उसके उपरांत ही काम करना शुरू करते हैं। विश्वेश्वरगंज स्थित कोतवाली पुलिस स्टेशन के प्रभारी भरत उपाध्याय का कहना है कि ये परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। यहाँ कोई भी थानेदार जब तैनाती में आया तो वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा। कोतवाल की कुर्सी पर हमेशा काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव ही विराजते हैं। काशी जो है, ये कोतवाली जो है, बाबा की कोतवाली मानी जाती है, कही जाती है, और बाबा ही यहाँ कोतवाल। जो भी यहाँ कोचिंग होती है, प्रथम कुर्सी और बाबा रहते हैं, दूसरी कुर्सी ही हमने अधिकारी की होती है और बाबा के निर्देशन में ही सारा यहाँ का संपादन किया जाता है। सुबह का रूटीन है, जो भी अधिकारी यहाँ भोग करता है बाबा की पूजा अर्चना के बाद ही अपने कार्य का प्रारंभ करता है। बनारस जहाँ क्षेत्र जो है बाबा का क्षेत्र है, अब कोतवाली का जो बेस था, इसका जो नामकरण जो हुआ है, इस कैसे हुआ? और इसके बाद बहुत विस्तृत जानकारी हमको नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब से हमको लगभग होते सतर्क नहीं मिले, तो पूर्वाधिकारी जब मेरे जो रहे उनसे जब मैं आया तो बात की, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि सबसे प्रथम आपको यहाँ के महत्वपूर्ण मतलब महान दो है, नियम है, आप आएंगे तो पूजा अर्चन करेंगे, मालार्पण करेंगे, इसके बाद अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो पूर्वाधिकारी के बताने के मुताबिक और स्टाफ से जानकारी हुई, और फिर जब हम लोग यहाँ नहीं थे तो भी सुना करते थे कि ऐसी कोई कोतवाली बनारस में है जिस पे काशी कोतवाल को बाबा काल भैरव विराजमान आने पर देखने को मिला और आशीर्वाद रहा बाबा का कि यहाँ नियुक्त रहने का भी एक समय मिला कि हमें नियुक्त भी रहा और काम भी कर रहे हैं। बाबा के निर्देशन में काम चल रहा है, काफ़ी प्रकार चल रहा है, सब इनका आशीर्वाद रख चुका। सर, कुत्तों को भी बहुत सम्मान दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, यह माना जाता है कि कुत्ते जो है बाबा काल भैरव की सवारी है, और यही मान करके कुत्तों का काफ़ी मतलब देख रेख और सम्मान किया। पहला ऐसा थाना है जहाँ पे कुत्तों को भी एंट्री है, उनको मना नहीं किया जाता है, बाकी तो हर जगह लोग मना करते हैं। बिल्कुल कोई ये जाते भी नहीं है, कोई मना ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ अगल बगल कुत्ते बैठे हैं, किसी को कभी कुछ नहीं बोलते ये, और ये अपना बैठे रहते हैं, अपना आप काम करते रहिए, किसी फरियादी आते रहते हैं, जनता दर्शन चलता रहता है, किसी प्रकार कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते। इसके साथ ही कोतवाली के अंदर कुत्ते भी आकर बड़े चाव से आराम फरमाते हैं। वो ना तो किसी को काटते हैं और ना ही भौंकते हैं, कोई पुलिसकर्मी भी उनसे कुछ नहीं कहता। मान्यता है कि कुत्ता बाबा काल भैरव की सवारी है। एआरआई न्यूज के लिए वाराणसी से जावेद खान की रिपोर्ट।